ऐसे भाजपा के सांसद कैसे बयान आ रहे हैं कि 400 पार होगा तभी संविधान को बदला जाएगा, तो क्या कैसे देखते हैं आप इस बयान को? संविधान को बदलने वाली बात ये बेवकूफ़ वाली हरकतें हैं। संविधान को बदलना इतना आसान नहीं है, और बाकी अगर तानाशाही लागू या फिर कुछ कहानी रहता जी, और इसमें बहुत अहम रोल रहेगा मीडिया का। देखना पड़ेगा कि मीडिया किस तरफ जा रहा है। अगर मीडिया पहले से ही मैनुपलेट होकर ये सबों को ये करेगा कि हाँ जी ठीक है जी संविधान में कमियां निकालेगा जी, तो वो उस चेंज उसको संविधानिक कमियों को दूर करने के बहाने वो मनुस्मृति को लागू कर दें। लेकिन हिंदू राष्ट्र बनाना फिर मनुस्मृति को लागू करना, इसके लिए बहुत लंबा पीरियड पड़ा है। अभी जब तक मोदी जी रहे ना रहे बात एक अलग है, हाँ। इतना आसान नहीं है। अच्छा, तो कितना सहमत हैं आप इस बात से कि विपक्ष लगातार कह रहा है कि संविधान को खत्म करना चाह रहे हैं, लोकतंत्र खत्म करना चाह रहे हैं? संविधान के पास कोई चेहरा है नहीं जो अपनी मजबूती से अपनी बात रख सके। एकमात्र चेहरा है गांधी परिवार का, लेकिन भाजपा ने उनके अकॉर्ड जो अगेंस्ट में जो मार्केटिंग करी है उस बेचारे समझदार इंसान को बेवकूफ़ बना कर दिया है जी। उसकी बात कोई सीरियस ले ही नहीं रहा। लेकिन ऑक्सफोर्ड से पढ़ा हुआ बंदा, इतना हाई क्वालिफाइड बंदा वो बेवकूफ़ नहीं हो सकता है जी। राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि अमीर उद्योगपति जो केवल उनको चंदा देने का काम कर रहे हैं, सारा कृपा बस उन पर ही है, आम जनता पे बस टैक्स बढ़ाने का काम। 2014 से पहले जब मनमोहन सरकार थी तो आप गूगल से डाटा निकालिए, अडानी कितने नंबर पर थे और अंबानी कितने नंबर पर थे, और वो एक कन्या बाबा थे, नाम भूल गया उनका कन्या बाबा का, रामदेव जी, वो उनकी क्या था कन्या बाबा का, और उसके बाद आप देख लीजिए तो आपको मालूम पड़ेगा कि हाँ वास्तव में सरकार जो है विशेष मित्रों को ही लाभ देने के लिए ही कार्य कर रही है। अच्छा, ये कोई छुपी नहीं है, ये बात सच है कि जो सरकार है वास्तव में ही कुछ विशेष पूंजीपतियों को लाभ देने के लिए कार्य कर रही है, बड़ा कुछ नहीं है जी। जी जी, आपको क्या लग रहा है क्या नतीजा होने वाला है? जिस तरीके से कह रहे हैं कि अब इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के जरिए कितने चंदा लिया गया है ये पता होना चाहिए जनता को, अब सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है कि ये एक दिन में आप हमको बताइए। मैडम जी, भी हिंदुस्तान का सारा सिस्टम मोदी जी ने हैक कर लिया। अच्छा, लोकतंत्र लगभग खत्म है। हाँ। ये 24 में आने के बाद आगे कोई चुनाव ही नहीं होगा। यहाँ दंगे कराने के मूड में हिंदू मुस्लिम हिंदू अच्छा, सिख, ये देश धर्म संकट में फंस चुका है। और ये उनकी गलती नहीं है, ये पब्लिक का सिलेक्शन है, ये पब्लिक का सिलेक्शन है। पब्लिक नहीं ऐसे बंदे चुने हैं जो 2002 के कातिल, इससे यूनिवर्सल फैक्ट है। और उनको जब आप बागडोर दिया तो वो वही करेंगे, वो सही है, पब्लिक दोषी है उसके अंदर। हमारे पब्लिक सिलेक्ट किसको कर रही है? अगर आप गुंडे को सिलेक्ट कर रहे हो तो गुंडागिर्दी करेगा। अच्छा, वो अपनी जगह बिल्कुल सही है। अभी देखिए जो इंद्रलोक में घटना हुई, ये इंडिकेशन है, आज मुस्लिम को मारा जा रहा, कल सिख को मारा जाएगा, परसों हिंदू को मारा जाएगा, ये ओबीसी को भी मारा जाएगा। ये पर्टिकुलर मुस्लिम की बात नहीं हो रही है, ये ह्यूमैनिटी की बात हो रही है। एक आदमी नमाज पढ़ रहा है, उसको लात मार रहे हैं, वो दिन दूर नहीं है जब सिखों को भी पढ़ने वाली है। ये देश आग के घेर में बैठा जी। आज नहीं तो कल इस देश में दंगे गारंटी है, वर्ल्ड वॉर की तरफ देश जा रहा है। हाँ। सिविल वॉर होनी है। अच्छा, ये गृह युद्ध की स्थिति में फंस चुके हैं, चाहे कोई मोदी भगत हो चाहे कुछ हो, झेलना सबको पड़ेगा जी। अच्छा, राहुल गांधी ये भी कह रहे हैं कि 100 दिन में काला धन वापस लाने का वादा किया था मोदी जी ने, लेकिन अब वो खुद के ही बैंक के डेटा को छुपाते फिर रहे हैं। मैडम जी, उन्होंने जो जिस एजेंडे के थ्रू आए थे ना कि काला धन आएगा, 15-15 लाख देंगे, ये आई वॉच था पब्लिक की नजर में, आंख झोंकने वाली बात, उसमें डिबेट ही नहीं होती। देश में डिबेट किस बात की हो रही है? हिंदू मुस्लिम की, कभी बेरोजगारी भ्रष्टाचार इन चीजों पे डिबेट होती है? जो होनी चाहिए, जो संवेदनशील सेंसिटिव इश्यू है उसमें डिबेट नहीं होती। हिंदू मुस्लिम, चार पंडित बैठा लेते हैं, चार मुल्ला काजी बैठा लेते हैं जी, हिंदू मुस्लिम की डिबेट हो जाए। क्या हिंदुस्तान का ये इशू है जो बेरोजगारी है? 10 करोड़ बेरोजगार बैठे हैं, भ्रष्टाचार है हिंदुस्तान में, अनएम्प्लॉयमेंट घुसी पड़ी है, ये चोरी डकैती क्राइम हो रहे हैं, तो सही तुम्हारा फोकस नहीं है? ये सिर्फ दो चीज़ की राजनीति कर रहे हैं, इनके लिए एक ही है, हिंदू मुस्लिम। आज रवीश कुमार आपके पत्रकारिता में जर्नलिज्म में उसका नाम मैं हीरे की तरह मानता हूँ, रवीश कुमार ने कहा है ये बीजेपी वाले 6 शब्द हटाते हैं, कौन से? हिंदू मुस्लिम, हिंदुस्तान पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद, मेरे ऊपर डिबेट कर लें 5 घंटे बैठ के, इनके बाद जवाब नहीं मिलेगा एक भी। ये रवीश कुमार जैसे लोगों पे देश बचा हुआ।
जो सच को सच बोलते हैं। आपके जर्नलिज्म में मीडिया सोशल मीडिया सारा मीडिया बिका हुआ है। आपको यूट्यूब चैनल और सोशल मीडिया पे कुछ अच्छे लोग हैं जो पब्लिक का भी ओपिनियन बता रहे हैं, बाकी जो गोदी मीडिया है मोदी जी योगी जी क्या इस देश में दो ही है जी? ये तो इन्होंने लोकतंत्र की हत्या करके बैठे हैं। आप सच भी तो बताइए, ऐसे आरोप लग रहे हैं कि संविधान खत्म करना चाह रही है भाजपा, उनके नेता का ऐसा बयान आया है कि 400 पार होगा तभी हम संविधान बने। इस बार जो गरारी ईवीएम में सेट की है ना, वो 405 की है। अच्छा, ये 405 का इनका टारगेट है कि 400 के बाद ये संविधान को चेंज कर सकते हैं। ये संविधान को चेंज करके ये मनुस्मृति लाना चाहते हैं। और आप जानते हो मनुस्मृति में लेडीज के लिए क्या बोला गया? इतने गंदे शब्द हैं मैं कह भी नहीं सकता हूँ, आप मेरी बहन ना, इतने गंदा डिफाइन किया गया लेडीज को मनुस्मृति, कभी आप पढ़ के देखना। और बाबा अम्बेडकर के जो भारत का संविधान है उसमें औरत को सम्मान दिया गया, ये उनका बड़प्पन दिखाता है। और ये प्रमोट कर रहे हैं किसको? मनुस्मृति को, जिसमें लेडीज को एक पालतू जानवर की तरह माना गया। आप वो स्मृति को लाना चाहते हैं? ये देश इस समय बहुत धर्म संकट में। आज नहीं, रवीश कुमार का मैं अभी आपको सुनाता हूँ, उन्होंने कहा मरेंगे तो सब, जो चुप हैं वो भी मरेंगे, जो बोल रहे हैं वो भी मरेंगे, कोई भूख से मरेगा, कोई गरीबी से मरेगा, कोई दंगे में मरेगा, मरना सबको, मगर जो चुप है वो सबसे पहले मरेगा, जो बोलना नहीं चाहता। भाजपा के सांसद का बयान आया है, सो कह रहे हैं कि हम 400 पार होंगे तभी तो संविधान बदल पाएंगे, तो क्या लगता है मोदी जी इसी कारण 400 पार का नारा दे रहे हैं? देश के मौजूदा सांसद जिन पर जिम्मेदारी है देश के लोकतांत्रिक ढांचे को मजबूत करने की, देश के लोकतांत्रिक ढांचे को बनाए रखने की, जनता का विश्वास लोकतंत्र में बनाए रखने की, वो एक ऐसा बयान देते हैं कि जब हमारी सीटें 400 पार आएगी तो देश का संविधान उसमें धर्म निरपेक्ष शब्द हटाएंगे। धर्म निरपेक्ष होना देश के लिए एक उपलब्धि है, एक कमी नहीं है। संशोधन कमियों को हटाने के लिए किया जाता है। और अगर वास्तव में उनका बयान सही था तो बीजेपी ने यूं क्यों कहा कि ये उनका निजी बयान है? और अगर उनका निजी बयान है तो भी आपत्ति है कि किसी ऐसे व्यक्ति का बयान निजी कैसे आ सकता है जिसका जीवन ही सार्वजनिक हो, जो सार्वजनिक जीवन के लिए जाना जाता हो, वो व्यक्ति संसद में बैठता है, माननीय सांसद हैं, जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, सामाजिक ढांचे के ताने बाने का एक महत्वपूर्ण अंग है, और वो व्यक्ति ऐसे शब्द कहे कि देश में हम धर्म निरपेक्ष शब्द हटाएंगे, और उनका निजी बयान था, उनके निजी विचार थे, तो इंद्रलोक की घटना में वो उस पुलिस वाले के भी निजी विचार थे जिसने एक नमाज पढ़ते हुए व्यक्ति पर लात मार दी, वो उसके निजी विचार थे, तो भैया सवाल ही नहीं होना चाहिए। अगर ऐसे व्यक्ति का निजी विचार भी है जो संसद में बैठता है तो भी उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। धर्म निरपेक्ष शब्द का हटने का मतलब ये है कि देश का संविधान धर्म पंथ निरपेक्ष जो है, जो धर्म जाति से ऊपर है उसको धर्म के अधीन लाना, यानी उन वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली देश में हिंदू राष्ट्र की वकालत कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ क्या जरूरत है इस देश में किसी धर्म के नाम पर इस देश को चलाने की? और बात अगर धर्म की हो चली है, हिंदू राष्ट्र और इस्लामिक राष्ट्र की, तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि भाई धर्म के नाम पे तो दोनों ही गलत हैं, लेकिन अगर तुम देखोगे तो भाई इस हिसाब से अगर धर्म में चुना जाए बेस्ट राष्ट्र किसे मिलेगा तो इस्लामिक बना दो फिर तो तुम, क्यों इस्लामिक राष्ट्र बनेगा, शराब की इंडस्ट्री एक झटके में खत्म हो जाएगी, इस्लामिक स्टेट में शराबें नहीं बिकती, बलात्कार जैसे केसों पर कितनी सख्त सजा है, बंद हो जाएंगे बलात्कार, अगर धर्म पे बनाना है तो। और क्यों बनाना है धर्म पे, जब हमारा संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान, एक हस्तलिखित संविधान, हमारा लोकतंत्र दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, हमारे को पहचाने इसलिए जाता है कि हमारे यहाँ इतनी विभिन्नताएं हैं, इतनी जाति की विभिन्नता है, इतनी धर्म की विभिन्नता है, उसके बावजूद हमने एक संविधान से सारे देश को बांधा हुआ है, और वो व्यक्ति कहता है हम खत्म कर देंगे, तो वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस देश के डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक ढांचे पर उसने ढेला मारा है, डैमेज करने की कोशिश करी है। उन माननीय सांसद की सदस्यता जानी चाहिए, मुकदमा होना चाहिए, और राजद्रोह का मुकदमा होना चाहिए। राहुल गांधी कह रहे हैं कि इस तरीके के बयान उनके सांसद दे रहे हैं, और इस पे जो मोदी जी की शांति है वो एक खतरनाक है काफी, और काफी देश को नुकसान पहुंचाएगी। बच्चा जब गाली देता है या झगड़ के आता है हम उसे डांटते हैं, ठीक, और अगर बच्चा चुप हो जाए, वो पलट कर ये अपना जस्टिफिकेशन ना दे, तो उसका मतलब होता है वो अपनी गलती स्वीकार कर रहा है, ठीक,
और अगर माँ बाप भी चुप हो जाए, माँ बाप उसे डांटे नहीं, तो उसका ये मतलब है कि माँ बाप उस बच्चे को सहमति दे रहे हैं कि बेटा तू गाली वक्त ठीक। तो यहाँ पर क्या है, अगर मोदी जी चुप है तो दो कारण है, पहला उन्हें मालूम है वो गलती कर रहे हैं ठीक, और सांसद जी ने पलट के जवाब नहीं दिया, कोई सफाई नहीं दी, इसका मतलब उन्हें भी पता है कि उन्होंने गलत बोल दिया। और मोदी जी चुप है, इसका दूसरा मतलब यह है कि वो चुपचाप उस बयान का समर्थन भी करते हैं, जो इस देश के लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है कि देश में सर्वोच्च पद में बैठे लोग भी धर्म की वकालत के लिए आगे आ गए हैं, संविधान को दरकिनार कर रहे हैं जी। ऐसे बयान के बाद जनता के मन में सवाल उठ रहा है, क्या भाजपा संविधान को खत्म करना चाह रही है, लोकतंत्र खत्म करना चाह रही है? नहीं नहीं, भाजपा कुछ है ही नहीं। अच्छा, कहते हैं ना 70 सालों का कोरोना है कि एक परिवार देश को नहीं चलाएगा, हाँ। एक ही परिवार के नाम पर सब कुछ नहीं होगा, हाँ। मोदी जी उसी लाइन पर चल पड़े हैं, भाजपा कुछ नहीं है, सब कुछ मोदी है, सब कुछ अमित शाह है ठीक। जो ये दो व्यक्ति चाहते हैं देश में वो होता है ठीक। यूपी की कैबिनेट का विस्तार अमित शाह मोदी जी चाहते थे, हो गया, योगी जी नहीं चाहते थे, नहीं हुआ ठीक, मतलब उनके ना चाहने इसके बावजूद हो गया। राजभर जैसे लोग जो इस थाली के ना उस थाली के, लेकिन पॉलिटिकल एजेंडे के तहत उनको भी मंत्री पद की शपथ मिली, और जो मंत्री बनने के बाद सीधा कहते हैं पट्टा डाल के घूमो, थानेदार को लगेगा मंत्री खड़ा है सामने, मतलब अपने मंत्री पद का मिसयूज कैसे करवाना है, ऑन कैमरा बोल दे वो व्यक्ति, और ऐसे व्यक्ति को मंत्री बनाने का काम भाजपा कर रही है। तो मोदी सरकार में मोदी जी राजा की जिंदगी जीना चाहते हैं, जी रहे हैं, और जहां तक है कि आगे भी जीते रहेंगे। तो मोदी जी सब कुछ है, भाजपा कुछ नहीं चाहती, मोदी जी सर्वे सर्वा है बीजेपी के अंदर, और किसी की हिम्मत नहीं है जो मोदी जी से सवाल करते, खुद भाजपा के अंदर भी जी। क्या लगता है, देखिए अब सुप्रीम कोर्ट का बयान आया है जिसमें वो कह रहे हैं कि SBI को एक ही दिन के अंदर अब बताना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉल बॉन्ड से कितने चंदा लिया गया है, तो क्या लग रहा है कि अब क्या ये असल चेहरा सामने लाएगा सबका? देखिए ये कोर्ट की जो पहल है अच्छा है देश के लिए, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि देश के अंदर कोई भी संस्था स्वतंत्र रूप से अपना काम कर पा रही है, फिर वो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, जुडिशियरी हो हमारी, या चुनाव आयोग हो, या अदर एजेंसी हो, CBI हो, अदर जो भी एजेंसी हमारे भारत की, सभी प्रेशर में, और कहीं ना कहीं निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट भी हमारा दबाव और प्रेशर में है। वो स्टेटमेंट तो अपने जारी करता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि 100% वो अपना फैसला या जजमेंट सही रूप से लागू कर पाता है। अच्छा जी, क्योंकि हमने देखा आए दिन, आपने देखा होगा कि इतनी सारी रेटेड पर रही है, आपने कोर्ट को बहुत सारा पावर होता है, वो स्वयं संज्ञान ले सकता है किसी भी केस में जब उसे लगता है कि ये गलत है। आज आप देख सकते हैं जितनी भी कार्रवाइयाँ हो रही हैं एजेंसियों द्वारा, तो विपक्षी नेताओं पर हो रही है। मैं आपको कुछ छोटे शब्दों में बता देना चाहता हूँ, जिस तरीके से हेमंत सोरेन को, जो वर्तमान मुख्यमंत्री थे, उनको अंदर कर दिया गया, नीतीश कुमार दबाव में आके देखो कैसे उसमें जाके फिर से BJP में आ गए, अखिलेश कुमार जी पे देखिए, वो अखिलेश यादव जी पे जी। अभी CBI का वो नोटिस गया है, ED का नोटिस गया था, केजरीवाल को सभी को पता है, सभी देशवासियों को पता है, और वैसे ही विपक्ष के जितने बड़े लीडर्स हैं, जितनी बड़ी पार्टियां, वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा दबाव झेल रहे हैं, और वो पब्लिक की बात को आगे नहीं रख पा रहे हैं, तो विपक्ष भी कहीं ना कहीं फैल। अच्छा जी।